नमस्कार। तो आपकी और मेरी घड़ी में बजने वाले हैं दोपहर के 2। ये वो वक्त है जब पूरा उत्तर प्रदेश देखता है मेरा गांव मेरा देश का यूपी एडिशन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जो अपने आप में विचित्र है, क्योंकि इसको किसानों की राजधानी कहा जाता है। जैसे कानपुर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, आर्थिक राजधानी उत्तर प्रदेश की बताया जाता है, वैसे ही बुढ़ाना विधानसभा को किसानों की राजधानी कहा जाता है। तो क्या है किसानों की राजधानी का हाल, इसको आज जानेंगे और समझेंगे अगले आधे घंटे तक। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिएगा। आपको बता दें कि आज बुढ़ाना विधानसभा से विधायक को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नेता जी जुड़ेंगे और साथ ही साथ विपक्ष के यानी समाजवादी पार्टी के भी एक नेता जुड़ेंगे। दोनों से जानेंगे समझेंगे कि आखिर विधानसभा में कितना काम हो गया है पूरा और कितना रहा है अधूरा। साथ ही साथ फोन लाइंस लगातार खुली रहेंगी अगले आधे घंटे तक, जिसमें बुढ़ाना विधानसभा के तमाम दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि 2017 के विधानसभा चुनावों में बुढ़ाना विधानसभा के लोगों ने बंपर वोटिंग करके उमेश मलिक साहब, जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, उनको 97,781 वोटों से विधानसभा पहुंचाया था। दूसरे नंबर पर रहे थे प्रमोद त्यागी साहब, इनको भी हालांकि ज्यादा कम नहीं, ठीक ठाक वोट मिले थे, 84,580 वोट। हालांकि जिस पार्टी का यहां पर खासा दबदबा है, आरएलडी रालोद जयंत चौधरी की पार्टी, वो चौथे नंबर पर रही थी 2017 की विधानसभा में। तो 2017 की विधानसभा में ये कुछ हुआ। अब मैं आपको बताता हूं आपके विधायक के बारे में। तो विधायक जी के पास जो उन्होंने एसेट अपनी दिखाई है हलफनामे में, वो है 1 करोड़ से ज्यादा की एसेट। लायबिलिटीज की बात करें तो 40 लाख से ज्यादा की लायबिलिटीज दिखाई हैं। साथ ही साथ विधायक जी पर 6 क्रिमिनल केसेस जो है वो चल रहे हैं। 6 क्रिमिनल केसेस इस प्रकार हैं। 2 चार्जेस हैं अटेम्प्ट टू मर्डर के, 2 चार्जेस हैं पब्लिक सर्वेंट को ऑन ड्यूटी उससे बातचीत अलग टाइप की करने के। इसके साथ ही एक चार्ज है इलीगल पेमेंट इन इलेक्शंस, मतलब इलेक्शंस के दौरान इलीगल पेमेंट का। साथ ही साथ एक चार्ज है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का, और ऐसे और भी अन्य कई चार्ज हैं। 2017 से पहले 2012 में चुनाव हुए थे। 2012 में आलम खान साहब समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे और दूसरे नंबर पर तब रही थी रालोद। तो रालोद 2012 से 2017 के बीच दूसरे नंबर से खिसक कर चौथे नंबर पर आ गई, लेकिन बीजेपी का परचम लहराया 2017 में। 2017 में उमेश मलिक साहब ताबड़तोड़ रैलियां की थी उन्होंने और इसके बाद वो जीते थे। लेकिन उमेश मलिक साहब पर पिछले 4 महीने की बात करूं तो 4 महीने से किसानों की नाराजगी का दंश झेल रहे हैं। 4 माह पहले आपको बता दूं कि अगस्त के माह की बात कर रहा हूं, अगस्त के माह पर जब वो सिसौली पहुंचे, जिसको राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता उनका गांव उनके गांव पहुंचते हैं, तो ऐसे में वहां पर उन पर हमला हो जाता है। किसान संगठन उन पर हमला करते हैं, जिसको लेकर बातचीत ज्यादा बढ़ जाती है और खाप पंचायतों के बीच भी दरार पड़ने की बात कही जाती है। तो अगस्त में हमला हुआ था सिसौली पर। इसके साथ आज हम जानेंगे और परखेंगे कि आखिर स्वास्थ्य का क्या हाल है, बिजली का क्या हाल है, पानी व्यवस्था जल व्यवस्था की क्या आखिर हाल है, और साथ ही साथ सड़क का क्या हाल है, सब जानेंगे समझेंगे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें हैं बुढ़ाना विधानसभा की। सबसे पहले इस तस्वीरों को देखिए और तस्वीरों से जानिए समझिए कि बुढ़ाना विधानसभा आखिर दिखती कैसी है, क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। तो किसानों की राजधानी का ये हाल है। आपको खेत तो दिख रहे होंगे, लेकिन खेतों के बीच जाने का जो रास्ता है वो दरअसल पानी से लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये तस्वीरें हैं बुढ़ाना विधानसभा की, जहां हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का चुनावी मौसम क्या कुछ कहता है, कि आखिर यहाँ का माहौल क्या है। तो बुढ़ाना विधानसभा की तस्वीरों के साथ आपके सामने शुरुआत कर रहे हैं कार्यक्रम की। पहले आपको बता दें कि नेताओं को हम जोड़ेंगे, लेकिन मैं कहूंगा पीसीआर महोदय से अनुरोध करूंगा कि थोड़ी देर के लिए नेताओं को रोकिए और सबसे पहले जो हमारे साथ रैंडम कॉलर्स जुड़ रहे हैं उनको लीजिएगा। तो सबसे पहले एक कॉलर को लेते हैं हम लोग बुढ़ाना विधानसभा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बताइएगा। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। नमस्कार जी, आदिल प्रधान बोल रहा हूँ बुढ़ाना विधानसभा से। ठीक है, बुढ़ाना विधानसभा का हालचाल जानने निकले हैं आज हम अपने कार्यक्रम के जरिए। सबसे पहले आप ही को लिया है,
आप ही से शुभारंभ कर रहे हैं कार्यक्रम का, ये बताइए बुढ़ाना विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। बुढ़ाना विधानसभा में पब्लिक, आप जो माना जाए कि किसान और जो मजदूर और जो नौकरी चाहे वो नौकरी करता है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो किसान है, ये सभी मतलब सभी आम आदमी नाराज है बहुत इस सरकार को लेकर, इसका रवैया लेकर। हमारी बुढ़ाना विधानसभा में बहुत चीज हुई इन 5 साल के अंदर, आपको शायद पता होगा कि पहले भी बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा था बुढ़ाना के ऊपर ही लड़ा था सारा, बुढ़ाना और कैराना के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इस बार हम सब एक इंसान है और एक साथ जुड़ चुके हैं, हम सब एक साथ रहने वाले आम नागरिक है, कोई नौकरी वाला कोई बिजनेसमैन है। अच्छा, थोड़ा सा एक पेचीदा सवाल पूछना चाहूंगा कि जनता प्रदेश सरकार से नाराज है या फिर अपने स्थानीय विधायक से नाराज है बुढ़ाना में? बुढ़ाना में अपने स्थानीय विधायक से भी नाराज है, जनता प्रदेश सरकार से भी नाराज है। ठीक है, और जनता में आक्रोश ज्यादा है क्योंकि अभी ब्लॉक प्रमुख जो बुढ़ाना के थे मौजूदा भी जो जीते थे बीजेपी को हराकर, उनका पूरा फंडिंग रोक दिया गया बीजेपी द्वारा, ताकि फंड रिलीज करके अगर क्षेत्र में लगाएगा तो वो नाम हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा, तो जबरदस्ती रुकाया गया वो फंड। वो चलिए ठीक है, बहुत बहुत पंचायत को आपने देखा होगा उनके साथ भी दोहराव की गई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, इस बीच हमारे साथ आपको बता दूं कि बीजेपी की तरफ से राजेश संगल साहब जुड़ गए हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश संगल जी, मेरा गांव मेरा देश है मैं। नमस्कार जी। जी बिल्कुल नमस्कार, आप सुन रहे थे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे। आज दर्शक बता रहे थे कि प्रदेश सरकार से भी नाराज हैं और आपके मौजूदा विधायक से भी नाराज हैं। कि हमारे विधायक जी ने विधानसभा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है और सब तरीके से कोई भी किसी किस्म का, जैसा हमारी पार्टी का नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, उसी नारे को साथ लेकर चलते हुए विधायक जी ने निष्पक्षता से कार्य कर रहा है। ठीक है, सबसे ठीक है, किसी भी गांव में ठीक है, पक्षपात वाली कोई बात ऐसी नहीं है। ठीक है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही। एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, बिजली के हाल को लेकर आज से 5 माह पहले हमने विधायक जी से एक सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि 132 केवी का विद्युत उपकेंद्र मदनीपुर में नवंबर में उसका उद्घाटन होगा, क्या नवंबर में उसका उद्घाटन हो चुका है? ऐसी बात है, कुछ कार्य ऐसे होते नहीं, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड राजेश जी आपको रुकना चाहूंगा। 132 केवी का विद्युत उपकेंद्र नवंबर में उसका उद्घाटन होना था, क्या उसका उद्घाटन मदनीपुर में हो चुका है? मुझे उसके बारे में मतलब नहीं हुआ, नहीं है। मतलब नहीं हुआ, अगर हुआ होता तो जानकारी होती, मतलब नहीं हुआ है। नहीं, मुझे उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, सीएचसी बुढ़ाना को ऑक्सीजन प्लांट मिला है जी। ठीक है, जब कोरोना काल दूसरे काल में लोग मर रहे थे तब ऑक्सीजन की कहीं भी कोई जुगाड़ नहीं आपके द्वारा की गई, लेकिन अब जब चुनाव स्तर पर हैं तो आपने सीएचसी बुढ़ाना को ऑक्सीजन प्लांट दिया है, अब ऐसी बात नहीं है। हमने जब भी सब हमारा हर कार्यकर्ता बाहर निकलकर सबके लिए कार्य कर रहा था, ठीक, जब सब पार्टी वाले अंदर बैठे हुए थे तो हम सामने आकर हर मोर्चे पर कार्य कर रहे थे। ठीक है, हमारे विधायक जी ने भी हर समय सबके सामने रहकर कार्य किया है। ठीक है, ठीक है, हर पैमाने पर आपको आंकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपने बिजली के बारे में मैंने पूछ लिया, आपने 132 केवी का विद्युत उपकेंद्र जो लगाने की बात की थी वो नहीं लगा है अभी तक नहीं लगा है। इसके बाद आपने स्वास्थ्य पर दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा सड़क का हाल क्या है। सड़क का हाल हम हर किसी से पूछते हैं, सड़क का हाल क्या है बुढ़ाना में? सड़क का हाल यह है, बुढ़ाने के चारों ओर
कहीं भी कोई ऐसी सड़क नहीं है जो बनी हुई नया हो, और बुढ़ाना का स्वास्थ्य में और स्वच्छता में ठीक है प्रदेश में पहला नंबर आ रहा है। ठीक है, बड़ी दिलचस्प बात की आपने कि बुढ़ाना में ऐसी कोई सड़क नहीं जो बनी ना हो। तो ये सड़क बुढ़ाना में है या कहीं और, या दूसरे ग्रह में है, दूसरे प्लेनेट में है? बुढ़ाना से खतौली रोड, शाहपुर से मसौर रोड और बुढ़ाना से शिकारपुर रोड, ये सड़कें कहाँ हैं? और जो तस्वीरों में दिख रही है ये कहाँ की? देखिए देखिए, जैसे लिंक मार्ग है उनको भी समय से पूरा करा जा रहा है। ठीक, अभी चल रहा है, कोई हो सकता है एक दो रोड ऐसी हो, लेकिन सब जगह विधायक जी के द्वारा चारों ओर विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता जी उन पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूं कि आज से 4 माह पहले उमेश मलिक जी पर किसान संगठनों ने हमला किया था सिसौली में, किसान नाराज हैं आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सबका अपना संगठन है, सबकी अपनी बात है। अब पता नहीं कौन किस तरीके से कैसा कार्य करता है। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी के आदिल राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले आदिल राणा साहब, आप पर आना चाहूंगा। 2012 से लेकर 2017 तक, आप 2017 से लेकर लगभग आने वाली 2022 तक बीजेपी, दोनों के कार्यकाल में आप कंपेरिजन थोड़ा सा कीजिए कि 2012 से 2017 तक आप सीधे कहेंगे विकास की गंगा बही है, तो जो विकास की गंगा आपकी सरकार में बही और 2017 से लेकर 2022 की जो हमें बता रहे हैं बीजेपी के हमारे नेताजी कि उनकी सरकार में भी विकास की गंगा बही, दोनों की विकास की गंगाओं के बीच का अंतर समझाइएगा। आदिल राणा साहब का ऑडियो अप करिएगा। जी आदिल राणा साहब, आपकी आवाज आ रही है, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, शायद कुछ ऑडियो की समस्या है, दोबारा दुरुस्त करके इसको वापस लौटेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कॉलर को लीजिएगा जरा। जी नमस्कार, नाम बताइएगा अपना। जी बिल्कुल, शानदार आवाज आ रही है आपकी, नाम बताइएगा अपना। और एक सेकेंड, ऑडियो जरा आप करिएगा। चलिए तब तक कॉलर्स को जोड़ेंगे हम लोग, उनकी ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है उसको ठीक करेंगे। लेकिन उससे पहले आपकी स्क्रीन पर ये बुढ़ाना विधानसभा की तस्वीर है जिसको आप देखकर समझ सकते हैं कि बुढ़ाना विधानसभा में क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर से हमारे साथ आदिल राणा साहब जुड़ चुके हैं। आदिल राणा साहब, आदिल राणा साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? आदिल राणा साहब जी बोलिए। ठीक है आदिल राणा साहब, मैं ये सवाल पूछ रहा था कि 2012 से लेकर 2017 तक आपकी सरकार थी, 2017 से लेकर 2022 तक बीजेपी की सरकार थी, दोनों ही नेताओं के अपने अपने दावे हैं कि दोनों ही सरकारों में, दोनों ही कार्यकालों में विकास की गंगा बही, आपकी विकास की गंगा कैसे अलग है जो 2017 से लेकर 2022 जो आने वाली है उस बीच जो गंगा बही है विकास की, दोनों की विकास की गंगाओं के बीच का अंतर बताइएगा जरा। सर आपको एक बात बताऊं, मैं 2012 तक जिन क्षेत्रों में सरकारी आवास बने थे, मेरे ख्याल से 2017 से 22 में एक भी मकान नहीं बना गांव में, एक दो मकान में प्रधान था मौजूदा गांव का, तो मेरे सामने दो मकान आए, और जबकि 2012 से 17 तक हमारे गांव में 27 मकान बने। ऐसी सब गांव की स्थिति है, शहरी शहर के अंदर ग्रामीण आवास जरूर बने, इसमें नहीं बने 2017 में।
17 से 22 के कार्यकाल में, माननीय अखिलेश जी के टाइम पर बहुत मकान बने ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतने विकास पे ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पेंशनें रुकी, जो पेंशनें विधवा पेंशन दी, वृद्धा पेंशन दी, वे 1 साल बंद रही, 1.5 साल बंद रही, किसी की काट दी, किसी की रोक दी गई। जैसे की मैं आपको बताऊँ, बुढ़ाना विधानसभा में सबसे बड़ी समस्या है की गाँव कल्याणपुर में राजकीय इंटर कॉलेज बना पड़ा है 2015 से, वो आज तक स्टार्ट नहीं हो, 2017 का और 22 का भी कार्यकाल खत्म हो गया। वो जिले के 3 स्कूल बने थे अल्पसंख्या विभाग से, एक कवाल में, एक कल्याणपुर में, एक और बना था, उनमें आज तक टीचर नहीं आए, पूरी बिल्डिंग तैयार है, सब कुछ है, जबकि पुराना की जनता, जो लोकल जनता है, वो स्कूल की वजह से बहुत परेशान है कि स्कूलिंग ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो स्कूल था वो स्टार्ट ही नहीं हुआ पूरे 5 साल के कार्यकाल में। हमने सोचा था बीजेपी सरकार में चालू होगा, लेकिन उसमें भी चालू नहीं हुआ, तो जनता किस पे विश्वास करे सर, आप बताइए। ठीक है, लेकिन बीजेपी के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि सीएचसी बुढ़ाना को ऑक्सीजन प्लांट दिया गया, गढ़ी नौबाबाद के अस्पताल को 2 करोड़ रुपए का उसमें पूरा निर्माण करवाया गया, और इसी के साथ सिसौली पीएससी को सीएचसी भी बनाया गया। सर ये बनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ स्कूल जो रुके हुए भी चालू नहीं हो गए कभी भी सर। मतलब शिक्षा को लेकर आप कह रहे हैं कि स्कूल बनाए गए लेकिन वो आज भी बंद पड़े हैं, ताला बंद है। मैं तो बिजली के बिल को लेके कह रहा हूँ, जो किसानों पे बिजली के बिल की मार हो रही, क्या हमारे विधायक जी देख नहीं रहे इतनी तकड़ी मार किसानों के ऊपर हो रही कि 3-3 बिल देने पड़ रहे, उसे 3 गेयर है तो 3 के लग दो, ट्रेलों के लग दो, उनपे बिल बढ़ गया, अगर नहीं बिल जमा कर पा रहा किसान, क्योंकि इस वजह से नहीं कर पा रहा कि जो बजाज मिल है वो गन्ना का पेमेंट भुगतान नहीं कर पा रहा किसानों का, तो किसान बिल कहाँ से जमा करे, उनपे एफआईआर दर्ज हो रही। ठीक है, मदीनपुर में विद्युत उपकेंद्र 32 केवी का लगाने की बात की गई थी, अभी तक नहीं हुआ सर, वो बिल्कुल चालू नहीं हुआ। और किसान आंदोलन का क्या देख रहे हैं आप, किसान आंदोलन किस तरह से इनको हानि पहुंचा सकता है? किसान आंदोलन, किसान को लेकर हमारे जो चौधरी साहब है नरेश सिंह जी, राकेश सिंह जी, उन्होंने इतना ही बड़ा आंदोलन किया किसानों की तरफ से, इतने दिन धरना रहा 1 साल बाद, 1 साल तक, 1 साल के बाद फिर वो जिला पंचायतों के साथ आदूत किया गया कि उन्हें विकास कार्य नहीं दिया जाएगा, 13 जिला पंचायत धरने में भी बैठे भी पिछले हफ्ते डीएम कार्यालय में, उधर ब्लॉक प्रमुख की तरफ से भी धरना लगा, बुढ़ाना की, बुढ़ाना का जो ब्लॉक प्रमुख के अकाउंट में पैसा रुका हुआ है वो पैसा ना लगा सके निकाल के, पैसा तो विकास कार्यों में लगना ना क्षेत्र में, लेकिन वो रोक दिया गया। लेकिन गढ़ी नौबाबाद में जो बताया जा रहा है कि 2 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार किया गया एक अस्पताल का, तो उससे तो जनता खुश होगी। जनता खुश है तो जनता में जाके आप पूछ रहे हो ना, आपको पता लग रहा है ना किसान खुश है नहीं है। चलिए ठीक, किसान खुश होता तो धरनों पे क्यों बैठता। ठीक है राजेश जी, किसान परेशान है। राजेश जी, समाजवादी पार्टी के हमारे साथी आदिल राणा साहब कह रहे हैं कि आपने ब्लॉक प्रमुख का पैसा ही रोक लिया। अब आप अगर वो दूसरी पार्टी से हैं, आप दूसरी पार्टी से हैं, पैसा रोकेंगे तो विकास रुकेगा, तो आप पैसा क्यों? मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूं, 2012 से 2017 तक जो विकास कार्य हुए हैं वे सब जानते हैं, विकास की गंगा कहां से निकलती थी और किसकी जेबों तक जाती थी, और यहाँ अपराध का क्या हाल था, व्यापारी सुरक्षित अपनी दुकान से घर नहीं आ सकते थे, घर से दुकान तक नहीं जा सकते थे, सड़कों पर कितना बुरा हाल था, किसान अपना गन्ना लेकर मिल तक जाते थे, लेकिन बीच में ही पता चला उनका झोटा बुग्गी में भी काम कर दिए गए। कैसा विकास इन्होंने 5 साल तक करा है वह प्रदेश की सब जनता जानती है, और क्षेत्र की सब जनता, बुढ़ाना विधानसभा में 2017 से पहले क्या हाल था और 2017 के बाद हमारे विधायक जी उमेश मल्लिक के बनने के बाद यहाँ। लेकिन आप इसको भी तो समझिए, इसको भी तो समझिए राजेश जी, आप इसको भी समझिए कि किसान जो नाराज है, किसान आंदोलन से जो किसान नाराज हैं, हालांकि कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, लेकिन ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, यहां पर कहा जा रहा है कि किसान अभी भी नाराज हैं आपसे। चलिए ठीक है, सवाल के साथ ही बीजेपी नेता का कनेक्शन टूट गया, तो सिसोली में इतना बड़ा वो हमला की होता फिर। हाँ ठीक है, चलिए कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नमस्कार। देखो ना, कहीं ना कहीं उन्हीं के लोग उन्हीं पे। ठीक है, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है, कॉलर को लेके, लेकिन उससे पहले वापस बीजेपी नेता रिकनेक्ट हो चुके हैं। राजेश जी, मैं ये पूछ रहा था कि किसान आंदोलन जो हुआ है उसकी नाराजगी आज भी देखने को मिल रही है, तो क्या इसका किस तरह से देखेंगे, इसको कैसे मनाएंगे किसानों को? देखिए, अब क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। तो 4 महीने पहले जिन किसानों ने 4 महीने पहले जिन किसानों ने बुढ़ाना विधायक पर हमला किया था, क्या वो मान गए हैं?
देखिए हमला किस परिस्थिति में था, क्या था, यह तो एक अलग बात है, लेकिन नहीं किसानों की बात, किसान कहीं कोई नाराज नहीं है। आज हर किसी क्षेत्र में, हर सेक्टर में विकास हो रहा है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो। कोरोना काल में भी सब जानते हैं, जब सब जगह सब कार्य ठप पड़े थे पूरे विश्व में ही, अच्छा ये समझाइए, जो पंचायतें होती है, खा पंचायत जो है, गढ़वाला पंचायत की बात करूं, इस पंचायत के जो लोग हैं वो आपको वोट देंगे? जी, ठीक है, मानता हूं कि हमें सब जगह भरपूर मात्रा में वोट मिलेगी। चलिए ठीक है, भरपूर मात्रा में वोट मिलेंगे। कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बात रखिए, अपनी नाम बताइएगा पहले। जी मैं आशीष बात कर रहा हूँ सर। पहले तो म्यूचुअल इंडिया को धन्यवाद कहना चाहूंगा कि म्यूचुअल इंडिया ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचा और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर इस तरह की जो जन समस्याएं है उनको प्रतिष्ठा से रखा, इसके लिए धन्यवाद म्यूचुअल इंडिया। ठीक है आसिफ जी, किससे सवाल है आपका? जी जी, किनसे सवाल है आपका? देखिए मेरा सवाल, मैं खुद सत्ताधारी के जो नेता है बैठे उनसे बात करूंगा। ठीक है राजेश जी से मैं बात करूंगा। ठीक है ठीक जी। देखिए राजेश जी, तमाम आप बात कर रहे हैं बुराना क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि पीएचसी बनवाई तो तमाम जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उनको बेहतर करने का काम किया, मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन अगर ये जो तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट की बात आप कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट अगर कोरोना काल से पहले मिल जाता, समय रहते मिल जाता, तो पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां बच सकती थी, कितने लोगों का जीवन बचाया जा सकता था, कितने घरों को उजड़ने से बचाया जा सकता था। अगर समय रहते सरकार इस पर कार्रवाई करती, समय रहते सरकार इस तरह के जो कदम है वो उठा लेती। लेकिन अब हालांकि देर आया दुरुस्त आया, मान लेते हैं देर आया दुरुस्त आया, लेकिन चलो कुछ तो हुआ। ऑक्सीजन प्लांट लगा, लेकिन बड़ी बदनसी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इसमें कुछ हालात गुजर जाने के बाद सरकार इस तरह के कदम उठाती है। तो ऐसे में सरकार को ये कदम समय रहते उठा लेने चाहिए थे। तो वही तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र से हम बात करें, हालांकि लगातार बीजेपी सरकार विकास कार्यों को लेकर बड़े बड़े दावे वादे कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे बच्चे हैं जो विकास कार्यों से परे हैं, यानी विकास कार्यों से दूर है, और वही वहाँ पर जो हालात है बस से बदतर बने हैं पूरी तरह से। मैं देख पा रहा हूँ कैसे ये तस्वीरें हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आपने तो सवालों की वर्षा कर दी राजेश जी पर। जी जी भूल जाएंगे। ठीक है आसिफ जी, बहुत खूबसूरती से आपने सवाल पूछे राजनीतिक विश्लेषक की तरफ। ठीक है, भारत मिशन यही है राजेश जी, बताइए। बिल्कुल राजेश जी, सवाल को के जवाब दीजिएगा। आसिफ जी थे बुढ़ाना विधानसभा के, दर्शक है, उन्होंने कॉल किया। इनके बात स्पष्ट नहीं सुनाई दी मुझे। आप पर सवाल दागे हैं, हालांकि आपकी तारीफ भी करी है, लेकिन सॉफ्ट तारीफ की है और हार्ड सवाल दागे। इनकी स्पष्ट आवाज नहीं है जी। चलिए ठीक है, स्पष्ट आवाज का बहाना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ जी आपका और तमाम नेताओं का। तो आज हम बुढ़ाना विधानसभा की बात कर रहे थे, बुढ़ाना विधानसभा से हम ये जान रहे थे और समझ रहे थे कि बुढ़ाना विधानसभा में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो बुढ़ाना विधानसभा में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सड़कों का हाल, तमाम पार्टियां, जिस भी विधानसभा की हम बात करते हैं, तमाम पार्टियां कहती हैं कि सड़कों का हाल बहुत सही है। जब वो बड़े बड़े हाईवेज की बात करती हैं जो बाहर से बाहर की विधानसभाओं को जोड़ते हैं, जैसे बुढ़ाना विधानसभा की जब हमने बात की तो सीधे तौर पर हमको बताया जाएगा कि मुजफ्फरनगर से बड़ौत की आप सड़क को देख लीजिए, लेकिन बिल्कुल नहीं बताया जाएगा कि आप बुढ़ाना से खतौली रोड को देख लीजिए, शाहपुर से मंदसौर रोड को देख लीजिए, बुढ़ाना से शिकारपुर रोड को देख लीजिए। तो ये जो छिपी हुई चीजें हैं यही दरअसल चुनावों को प्रभावित करती है आखिरी वक्त पर। हालांकि जब मतपेटियां खुलेंगी तब सब कुछ खुल जाएगा, किसकी किस्मत खुलेगी यह भी सामने आ जाएगा, लेकिन हम ये जानते हैं, समझते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि कौन सा नेता गर्दिश में है, और जनता के लिए जो कार्यक्रम खुला हुआ है फोन लाइंस के जरिए उससे हम ये समझते हैं कि आखिर आम जनता क्या कह रही है। तो चुनावी मसाले में जो तड़का लगना है वो तड़का लगाने का काम कर रहा है ये कार्यक्रम, क्योंकि यहां पर जनता भी है, नेता भी है, और मॉडरेटर के रूप में मैं तो हूं ही। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए शुक्रिया।